ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, गांव में भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहली व्यवस्था मेरी यह होनी चाहिए कि इस हमारे प्लाट में दूसरे प्लाट का पानी बरसात का ना आने पाए। कारण ये होता है कि जैसे हमारे खेत में मार लीजिए पानी, खाद पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, तो जो पूरे रसायन पदार्थ है बह करके इधर भी आ जाते हैं, तो आपके पूरे प्लाट जो है ये यूजलेस हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी मेड़बंदी ऐसी होनी चाहिए कि आपके प्लाट में दूसरा पानी ना आने पाए। और आपको प्योर ऑर्गेनिक हमें तब मिलता है जैसे हमने हमारे दूसरा साल है। हाँ, पहले साल में ये होता है कि जो हमारे मिट्टी में एनपीके जो पड़ा होता है, जितने रासायनिक तत्व उसमें अवेलेबल होते हैं, वो ऑलरेडी रहते हैं, उनको ख़त्म होते हैं 2 साल लगता है। उसके बाद आपकी ये मिट्टी जो है पूरी रासायन से मुक्त होती है, फिर आप जो भी जैविक डालते हैं फिर जैविक धीरे आता है। हाँ, 3 साल लगता है आपको पूरा जैविक फील तैयार करने में, इतना आप मान के चलिए। के प्रोडक्शन में थोड़ा अंतर होता है, केमिकल डालते हैं तो आप प्रोडक्शन आपका हाई मिलता है, और जैविक डालते हैं तो आपका प्रोडक्शन जो होता है वो कम मिलता है। लेकिन आप जैविक खेती करने से पहले ये तय कर लें कि आपको मार्केट के रेट कहाँ मिलेगी। जहाँ हम जिस प्लाट में आप सपोज 50 क्विंटल उत्पादन ले रहे थे, और इस समय आप जैविक से आप वहाँ पाएंगे 30 क्विंटल, तो रेट आपको ज़्यादा मिलना चाहिए, तब तो किसान इसको एग्री करेगा। रेट नहीं मिलेगा तो किसान क्यों करेगा? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक्चुअल में जैविक है तो उसका रेट मिलेगा। मार्केट जो होती है, जैसे जो आप महानगर हैं जहाँ में जिससे सब्जी सप्लाई है, आप जैविक की सब्जी रखिए और केमिकल सब्जी रखिए, वास्तव में अगर वो है तो किसान या कंज्यूमर जब खाता है उसे जाकर के उसे एहसास होता है, तो फिर आपको 5 रुपये 10 रुपये टायर दे सब्जी ले जाएगा। वो ये आपको करना पड़ेगा, ये हमारी जैविक हो गई। दूसरी बात, हमारी इधर एक सीड का प्रोडक्शन है, भी आप लोग चर्चा कर रहे आते हुए देख रहे हमें। देखिए, हमको सीड प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं, तो इसमें हम मुख्य ये देखते हैं, क्योंकि निकाई नहीं हो पाएगी, लेबरों कमी है, अगर हम इसमें दवा का प्रयोग करते हैं, जैसे एक बार प्रयोग किया गया है, खबर डाला गया है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि इसमें कोई दूसरी वैरायटी का पौधा से मिश्र ना हो, चाहे जंगल खड़ा हो जाए घास से, हमें बहुत महत्व नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि इसमें कोई दूसरी वैरायटी का प्लांट मिश्र ना हो। तीसरा पॉइंट जो होता है कि जैसे फ्लावरिंग की जो स्टेज होती है, 80% पौधे फ्लावरिंग ये साथ होनी चाहिए, जो 20% पौधे फ्लावरिंग डिफरेंट टाइम होती है, 10 दिन के बाद होती है, उसे निकाल देना चाहिए। प्योर सीड बनता है आपका, आगे पीछे हो जाता है तो जैसे आगे पीछे हो जाएगा फ्लावर, तो फिर उसमें फली आगे पीछे पकेगी, तो फिर जब वो सीड में जाता है तो पता चला कि आज फली आपकी तैयार हो गई, 1-2 दिन बाद तैयार हो रही है, तो जब तक वो पिछल तैयार होगी तब तक पहले वाले उसी खेत में झड़ जाएगी। ये सीड का तरीका है, ये